दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के जरिए आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ कि हाइगन के तरंग सिद्धांत क्या है। हाइगन के तरंग सिद्धांत से क्या साबित होता है? हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट का निर्माण होता है और प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक वेवलेट जो है वह एक नए सोर्स की तरह कार्य करने लगता है और पुनः वेव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सेकेंडरी वेव फ्रंट का निर्माण होता है और सेकेंडरी वेव फ्रंट से टर्शियरी वेव फ्रंट का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि इंटेंसिटी का मान जीरो ना हो जाए। किसी सोर्स से सेम फेज में वेव को कंबाइन करने से जिस लोकस की प्राप्ति होती है उसे वेव फ्रंट कहते हैं और वेव फ्रंट के प्रत्येक वेव वेवलेट कहलाता है। हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह बताया कि पूरे यूनिवर्स में ईथर पाया जाता है और इसी ईथर के मीडियम में प्रकाश वेव के रूप में गति करता है। लेकिन यह गलत साबित हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेव का वेलोसिटी ना तो कभी घटता है और ना कभी बढ़ता है। लेकिन उन्होंने बताया कि सोर्स के टेम्परेचर बढ़ने से उसका वेलोसिटी भी बढ़ती है और सोर्स के टेम्परेचर घट जाने से उसकी वेलोसिटी भी घट जाती है। लेकिन प्रकाश की वेलोसिटी न तो घटती है और न तो बढ़ती है, वो तो फिक्स रहती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।